हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जामपुर साथियों मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में यह है आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास तो चलिए साथियों शुरुआत करें आपकी क्लास की एक बार सब लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दो चलो एक बार सब लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दो चलो चलो सभी लोग मिलकर सर ये बैच सी का कर दीजिए क्या सी का कर दीजिए चलो तो शुरुआत करते हैं आपका सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है वो क्या है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तालाब सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तालाब सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र के, के रूप में जाना जाता है जल्दी बताओ चलो हाँ हाँ मेरे को पता है हरीश मलिक मेरे को पता है कि कल का जो क्लास मैंने करवाई थी ना उसकी पीडीएफ मैंने अभी नहीं दिया आंसर की वाली मेरे को पता है वो पीडीएफ अभी तैयार हो रही है डोंट वरी इस क्लास के बाद मैं आज की भी और वो दोनों ही करवा के दे दूंगा ठीक है डोंट वरी मेरे को इस बारे में पता है तुम चिंता मत किया करो मेरे को पता होती है चीजें लेकिन वो चीजें प्रोसेसिंग में होती है ना तो इसलिए थोड़ा चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं ठीक है जल्दी बताओ जरा चलो डोंट वरी जब हम है तो क्या गम है जब हम है तो पानी कहां कम है पानी सारा ऊपर ही है मतलब घुटनों के चलो जल्दी बताओ चलो देखो इसका आंसर क्या आता है तमिलनाडु इसका आंसर है ठीक है इसका क्या आंसर आता है तमिलनाडु इसका आंसर आता है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तालाब सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है समझो देखो यह भारत का क्षेत्र है और यह क्या आता है यह तमिलनाडु आता है ठीक है क्या आता है तमिलनाडु तमिलनाडु क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है देखो तमिलनाडु में जो मेन प्रमुख नदी आती है वो कावेरी नदी है ठीक है अब कावेरी नदी का कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद चलता रहता है ठीक है तो अब इसको मतलब कृषि करने के लिए पानी चाहिए पानी क्या करते हैं ये वर्षा के पानी को स्टोर करते हैं तालाबों के अंदर बाद में उसको कृषि में सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं इसके अलावा तमिलनाडु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को लॉन्च किया है वो क्या है कि मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है ये मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर ही आ जाता है ठीक है क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है सीधी सी बात है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि किस तरीके से आप मतलब वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हो और उसका इस्तेमाल करते हो और ये तालाब द्वारा सिंचाई करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर ही तो आता है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर वो क्या आता है आपके सामने प्रकृतिक चयन द्वारा जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जल्दी बताओ प्राकृतिक प्राकृतिक चयन द्वारा जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जल्दी बताओ चलो तो इसका आंसर क्या आता है चार्ल्स डार्विन ठीक है क्या इसका आंसर आता है चार्ल्स डार्विन अगला प्रश्न क्या है हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है जल्दी बताइए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब लोग मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे चलिए सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे चलिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया देखो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नावरोजी को कहा जाता है ठीक है ये असल में आ, जो अंग्रेजों की संसद थी वहां पर सांसद चुने गए थे क्या चुने गए थे सांसद सोचो जिस वक्त भारत गुलाम था लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त वो अंग्रेजों की संसद के सांसद ठीक है इसीलिए इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर भी कहा जाता है मतलब अनऑफिशियल एंबेसडर किसका भारत का क्योंकि वहां पर भारत को रिप्रेजेंट करते थे भारत के अधिकारों की बात करते थे ठीक है और ये कौन सी पार्टी की तरफ से चुने गए थे लिबरल पार्टी कौन सी पार्टी की तरफ से चुने गए थे लिबरल पार्टी की तरफ से ये चुने गए थे ठीक है ये बात आप लोग याद रखना अठारह से पचानवे तक ठीक है उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे अठारह सतासी के बीच चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर वो क्या आता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज जल्दी बताओ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रतिरोध की इकाई क्या है वोल्ट वोल्ट एम्पियर एम्पियर या ओम जल्दी बताओ चलो साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे रेजिस्टेंस क्या होती है समझो एक होता है फ्रिक्शन एक होती है रेजिस्टेंस दोनों का मतलब होता है प्रतिरोध मतलब किसी चीज़ को रोकना जैसे कि अगर मैं हाथ से हाथ रगड़ूंगा तो हाथ थोड़ा रगड़ रगड़ के जाएंगे ना क्या कारण है फ्रिक्शन है तुम अगर किसी टाइल के ऊपर चलोगे चिकनाहट वाले टाइल के ऊपर तुम फिसल भी सकते हो सड़क के ऊपर चलोगे तो नहीं फिसलोगे क्योंकि सड़क के ऊपर जो फ्रिक्शन ज़्यादा है प्रतिरोध ज़्यादा है उसी प्रकार से तार के अंदर या किसी लकड़ी या उसके प्रति आप कह लो कंडक्टर कह लो या कुछ भी कह लो अगर बिजली के तेज बहाव को कोई स्लो करने का या रोकने का, का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या है रेजिस्टेंस की इकाई क्या है देखो ओम ठीक है क्या इसकी इकाई ओम चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर गैस लिबरेटेड इन दी भोपाल गैस ट्रेजिडी भोपाल गैस ट्रेजिडी गैस लिबरेटेड इन दी भोपाल गैस ट्रेजेडी जल्दी बताओ आप सबको पता है कि ये भोपाल गैस त्रासदी क्या थी असल में भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर से एक गैस लीक हुई जिसकी वजह से पूरे भोपाल में सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए उस गैस के रिसाव की वजह से और उसके मालिक को मतलब जो मीडिया कहता है जैसे उसके मालिक और राजीव गांधी ने रातों रात अमेरिका पहुंचा दिया अमेरिका का मालिक था वो मतलब अमेरिका का रहने वाला था वो ठीक है इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या बनता है सी एच थ्री एन सी ओ सी एच थ्री एन सी ओ ठीक है चलो ये क्या बनता है इसका आंसर सी एच थ्री एन सी ओ ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर चलो नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एस जल्दी बताओ चलो इसका आंसर बताओ चलो एक दूसरे से लंबवत निर्मित उधार और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है देखो इसका आंसर क्या आता है ग्रिड सिस्टम समझो इस प्रकार से लाइन जा रही है उसके बाद इसको काट के ऐसे जाएंगी ये ग्रिड सिस्टम बनता है ठीक है चलो ये सीधे सीधे रूप पे ये प्रेशर पूछ लिया नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है तो ये क्या बना रही है नेटवर्क बना रही है तो इसे क्या कहते हैं हम ग्रिड कहते हैं सिंपल सा आंसर है चलिए अगला प्रश्न क्या है मतलब ऐसे डायरेक्ट प्रश्न ही आएंगे आपको द टर्म यूनाइटेड नेशंस वॉज कॉइंड बाय संयुक्त राष्ट्र ये एक शब्द है जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द संयुक्त राष्ट्र ये इसका मतलब किसने दिया था ये शब्द ये शब्द किसने दिया था जल्दी बताओ संयुक्त राष्ट्र का ये शब्द किसने दिया था साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए चलिए यूनाइटेड नेशन क्या नाम था उस व्यक्ति का रूजे वेल्ट उसका नाम था ठीक है रूजे वेल्ट उसका नाम था अक्टूबर 1945 में अक्टूबर 1945 में इन्होंने क्या किया था इसका गठन किया था ठीक है इसका ऑफिस कहां पर है हेग में है इसकी कुल मिलाकर छह ऑर्गेनाइजेशन हैं मतलब इसके अंदर का आने वाली छह ऑर्गेनाइजेशन हैं ये बात आप याद रखेंगे पता नहीं कितने सालों से एंटोनियो गुट्रेस इसके चल रहे हैं अध्यक्ष और एक सदस्य हैं जो इसके मतलब एक देश इसके सदस्य हैं चलिए अगला प्रश्न क्या है ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इंटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कार्डेज जल्दी बताओ भौतिक समृति को निश्चित आकार के ब्लॉकों में तोड़ना कहलाता है क्या फ्रेम्स पैकेट्स सेगमेंट्स या पेजेस? जल्दी बताओ ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स जल्दी बताओ चलो साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए इसको हम क्या कहते हैं फ्रेम्स कहते हैं ठीक है, है चलिए अगला प्रश्न क्या आता है आपके सामने वेंचरी मीटर इज यूज टू मैजर वेंचरी मीटर इज़ यूज टू मैजर बताओ वेंचरी मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है वेंचरी मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स लिक्विड प्रेशर सर्फेस टेंशन या लिक्विड डेंसिटी जल्दी बताओ जरा चलो साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए इसका आंसर क्या आता है तरल पदार्थों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है वेंचुरी मीटर कहा जाता है चलिए अगला प्रश्न क्या आता है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल हैव है सेम डायमेंशन निम्नलिखित में से भौतिक राशियों के किस युगम के आयाम समान हैं जल्दी बताओ निम्नलिखित में से भौतिक राशियों के किस युगम के आयाम समान हैं वर्क एनर्जी फोर्स पावर वर्क पावर या मोमेंटम पावर जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आता है वर्क एंड एनर्जी ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज का किसका आता है वर्क एंड एनर्जी चलिए अगला प्रश्न क्या है हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ मनियर्स जल्दी बताओ धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे इसका आंसर क्या आता है मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक चलिए अगला प्रश्न क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जल्दी बताओ चलो फॉरेस्ट आउलेट द जिप्स वल्चर वाइट बिल्ड हेरोन या गंगेटिक डॉल्फिन देखो एक आई की अंतरराष्ट्रीय सूची है जिसकी एक क्या है रेड लिस्ट है उस रेड लिस्ट के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा जानवर चपेट में है खतरे में है गंभीर है या लुप्त तो हो चुका है उसके अलावा देश के अंदर भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है उसके आधार पर भी इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की चपेट मतलब मतलब कैटेगरी में कौन सा आता है जल्दी बताओ जरा चलो देखो इसका आंसर आता है व्हाइट बिल्ड हेरोन ठीक है व्हाइट बिल्ड हेरोन ये गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा के अंदर है अभी गंगा को नेशनल वाटर वे बनाने की बात हुई थी ना राष्ट्रीय जल मार्ग तो उसमें इसको दिक्कत हुई थी चलिए अगला प्रश्न क्या आता है कौन सा कानून कहता है कि निरंतर स्वाद और वीरता को साथ आय बढ़ाने पर खाद्य पदार्थों पर आय व्यय का अनुपात कम हो जाता है जल्दी बताओ मतलब ये एक फॉर्मूला दिया था एंजल नाम के व्यक्ति ने ठीक है चलिए ये एकनॉमी एक एक का फॉर्मूला था अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया बताओ जरा कौन सा ऐसा व्यक्ति था पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाला फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स देखो उसका नाम क्या है जैन टिंगरबर्ग ठीक है जैन टिंगरबर्ग कब मिला था 1969 में मिला था नोबेल प्राइज़ का गठन एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे हुआ ठीक है जिसमें सबसे पहले लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन बायोलॉजी और बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी इसे दिया जाने लगा भारत में भी कला सत्यार्थी को उसके अलावा कई सारे लोगों को मिला ठीक है. है ये बात याद रखेंगे चलिए बहुत बढ़िया रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम होम है जो ये प्राइस देती है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर वो क्या आता है आपके सामने पारिस्थितिक तंत्र शब्द पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था एसे जल्दी बताओ मतलब आप लोगों को बताना है इसके बारे में ये सारे मतलब एको क्या है एक वर्ड है एको क्या है एक वर्ड है एको क्या होता क्या एको सिस्टम देखो एको हमारी धरती असल में एक प्रकार का एको ही तो है अगर किसी रेगिस्तान में चले जाओ किसी रेगिस्तान में तो वहां पर, पर सारा एरिया की जलवायु एक प्रकार की होगी किसी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चले जाओ मतलब किसी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र में चले जाओ वहां पर चीजें एक प्रकार की होगी ठीक है तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या बनता है डी इसका आंसर बनता है ए जी टनाल से निम्नलिखित में से कौन भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है निम्नलिखित में से कौन भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है जल्दी बताओ चलो साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए देखो इसका आंसर क्या आता है संगीत नाटक एकेडमी। क्या इसका आंसर आता है संगीत नाटक एकेडमी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दिल्ली में है जो एक मंत्रालय है कल्चर कौन सा मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय है ठीक है संस्कृति मंत्रालय है ठीक है उसके अंतर्गत आता है उन्नीस तिरपन में इसका गठन हुआ कब इसका गठन हुआ उन्नीस तिरपन में इसका गठन हुआ चलिए द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज तरल ब्लीच का मुख्य घटक द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज जल्दी बताओ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज जल्दी बताइए चलिए इसका क्या आंसर बनता है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इंटरनेशनल वुमन्स डे इज ऑब्जर्व ऑन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है जल्दी बताओ चलो इंटरनेशनल वुमेन डे इंटरनेशनल वुमेन डे मुकुल कुमार एम टी एस का एग्जाम बस एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर है और डेट आ चुकी है जल्दी बताओ ज़रा चलो इंटरनेशनल वुमन डे जल्दी बताओ देखो इसका आंसर क्या आता है आठ मार्च 2020 हर साल ये महिलाओं के अधिकारों महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार इन सब को लेकर जागरूक करने का काम करता है ठीक है चलिए 1909 इसका आंसर बनता चलिए अगला प्रश्न क्या है वैट इज इम्पोज वैट लगाया जाता है क्यों जल्दी बताओ चलो वैट इज इम्पोज वैट लगाया जाता है क्यों जल्दी बताओ वैट क्यों लगाया जाता है जल्दी बताओ जरा चलो वैट क्या होता है टैक्स होता है ये एक प्रकार का जल्दी बताओ चलो वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं वैट को वैल्यू एडिड टैक्स ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी किसान ने गेहूं को पैदा किया अब किसान को तो बीज मिले थे उसने बीज से गेहूं बनाया बीज से गेहूं में बनने में एक वैट टैक्स लगा उसके बाद गेहूं को बाद में फैक्ट्री में भेजा जाना है ठीक है फैक्ट्री में जब उसे भेजा गया तब वैट लगा ट्रांसपोर्टेशन का वैट लगा पर्यटन ठीक है परिवहन का उसके बाद उसे ब्रेड बनाया गया फिर ब्रेड के ऊपर वैट लगा उसके बाद ब्रेड को आगे दुकानदार को द्वारा बेचा गया किसी लोगों को वहां पर वैट लगा वैल्यू एडिट टैक्स मतलब वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है कि बीज को गेहूं में बदलना गेहूं को ब्रेड में बदलना ब्रेड को आगे मतलब रेस्टोरेंट में जैम लगाकर बहुत चीज़ें लगाकर बर्गर बनाकर बेच देना तो ये चीज़ें होती हैं ठीक है ये ये वैल्यू एडिशन होता है मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी मतलब उसके पैसे बढ़ा देना तुम सुनो अगर तुम आटा खरीदने जाओगे तो तुम्हें सस्ता मिलेगा पर अगर तुम मैकडोनल्ड्स पे बर्गर खरीदने जाओगे तो भाई साहब महंगा मिलेगा ऐसा ही है चलिए चाइल्ड साल्ट पीटर इज द कॉमन नेम ऑफ चाइल्ड साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है जल्दी बताओ चाइल्ड साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है सोडियम नाइट्रेट का किसका सामान्य नाम है सोडियम नाइट्रेट का अगला प्रश्न आपके सामने है वो क्या है बी ओ डी स्टैंड फॉर बी ओ डी की फुल फॉर्म क्या है जल्दी बताओ चलो बी ओ डी की फुल फॉर्म क्या है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे को लगता है कि तुम लोगों को यही स्पीड पसंद है साथियों, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए देखो इसका आंसर क्या बनता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नदी के अंदर जो मछलियाँ होती हैं अगर वहाँ पर कोई केमिकल डाल दो जिसकी वजह से वो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की कमी हो जाएगी ठीक है तो ये चीजें होती हैं चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर वो क्या आता है आपके सामने द हाइएस्ट टाइटल इन जूडो 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 पता ना क्या होता है जूडो कराटे जल्दी बताओ हाइएस्ट टाइटल जूडो में कौन सा मिलता है जल्दी बताइए हाइएस्ट टाइटल जूडो में कौन सा मिलता है द टेंथ डैन ठीक है the tenth dan Iranology is the study of Iranology is the study of जल्दी बताओ क्या इसका बनता है study of spiders ठीक है study of spiders आई एम पी स्टैंड फोर आई एम पी की फुल फॉर्म क्या है जल्दी बताओ आई एम पी की फुल फॉर्म क्या है जल्दी जल्दी बताइए चलिए आई एम पी स्टैंड फोर आई एम पी की फुल फॉर्म क्या है सॉरी आई एम पी नहीं है ये आई एम एफ है ठीक है ये आई एम एफ है तो इसका बनता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या इसका आंसर बनता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ठीक है दिसंबर 1945 में इसका गठन किया गया कब दिसंबर 1945 में इसका गठन किया गया ठीक है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका क्या है हेडक्वार्टर है चलिए इन आवर कंट्री द वैन महोत्सव डे इज सेलिब्रेटेड हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है पहली जुलाई दस अगस्त एक दिसंबर या पांच अक्टूबर जल्दी बताओ 190 देश सदस्य हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के भारत भी सदस्य है तो इसका आंसर क्या बनता है फर्स्ट जुलाई क्या इसका आंसर बनता है फर्स्ट जुलाई चलिए विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज इन इंटरनेट इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है सर्किट टेलीफोन पैकेट या टेलेक्स जल्दी बताओ इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है अनामिका है जो कह रही है थोड़ा स्लो नो प्रॉब्लम स्लो कर देते हैं सानवी राव भी कह रही है थोड़ा स्लो स्लो कर देते हैं नो प्रॉब्लम मेरे को किसी ने बोला फास्ट तो मैंने तभी फास्ट कर दिया सॉरी इसका आंसर क्या है पैकेट अगला प्रश्न द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इन सब में सबसे ज्यादा मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है ऑक्सीजन क्लोराइड फ्लोराइन या आयोडीन जल्दी बताओ दिलीप और आन पीडीएफ मिलेगा डोंट वरी पीडीएफ जल्दी बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाँ हाँ, थोड़ा स्लो हो गया मैं नो no प्रॉब्लम देखो इसका आंसर क्या बनता है फ्लोराइन ठीक है क्या इसका आंसर बनता है फलोराइन इसका आंसर बनता है ठीक है चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है चलिए ऑर्गेनिक फूड इज सुपोज टू बी बेटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिकॉज ऑर्गेनिक फूड इज सपोज्ड टू बी be better फॉर ह्यूमन consumption बिकॉज जैविक भोजन मानव उपभोक्ता के लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि जल्दी बताओ क्योंकि इसका क्या आंसर बनता है बी इसका आंसर बनता है यह रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है हु ट्रांसलेटेड महाभारता into पर्शियन महाभारत को पर्शियन भाषा में किसने ट्रांसलेट किया महाभारत को पर्शियन भाषा में किसने ट्रांसलेट किया साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करो चलो क्या इसका आंसर बनता है बी अब्दुल फजल अब्दुल फजल कौन था देखो ये किसी दूसरे धर्म के धार्मिक ग्रंथों को कन्वर्ट करवाने जैसे काम अकबर ने करवाए थे उसने नौ रतन बनाए थे जिसमें से अब्दुल फजल रतन था जिसने अकबर नामा भी लिखा था दो तीन भागों में लिखा गया जिसे चलिए एन ए अकबरी इसका दूसरा भाग है चलिए ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है एम में कवर होगा ये डायरेक्टली ओजोन लेयर देखो ये क्या होती है धरती ये धरती की परत है धरती से कुछ किलोमीटर ऊपर क्या है शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर उससे थोड़ा ऊपर जाओ क्या आता है स्टेटोस्फियर आता है स्टेटोस्फियर की ये वाली जो सारी लेयर है इसके अंदर क्या आती है का ओजोन आती है ओजोन ठीक है ओजोन क्या है ओ थ्री ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड ओ थ्री बनाते हैं ठीक है तो ये किसको रोकते हैं देखो ये अल्ट्रा वायलट रेस को रोकने का काम करते हैं याद रखिएगा है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कमर्शियली वैल्यूड कॉर्क इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम जो व्यवसायिक रूप से मूल्यवान कॉर्क प्राप्त किया जाता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है सैड्रस, साइकस फिकस या क्यूरकस? जल्दी बताओ चलो इसका क्या आंसर बनता है डी क्यूरकस। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेट टू द गवर्नर बाय जल्दी बताओ राज्यपाल को शपथ कार्यकाल किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है राज्यपाल को शपथ कार्यकाल किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है जल्दी बताओ मतलब गवर्नर को शपथ दिलवाने का काम कौन करता है देखो चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं देखो गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति कितने साल के लिए पांच साल के लिए अब पांच साल वो कुर्सी पर बैठेगा नहीं के नहीं बैठेगा ये राष्ट्रपति की मर्जी पर है गवर्नर होता कौन है कार्यकारी का राज्य की कार्यकारी का अध्यक्ष होता है ठीक है तो चलो चलते हैं आगे गैस इंजन का आविष्कार किया था किसने गैस इंजन का आविष्कार किया था किसने डैमलर ठीक है क्या इसका आंसर बनता है डैमलर चलिए द पीरियड ऑफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवा सेवानिवृत्ति अवधि क्या है साठ साल बासठ साल पैंसठ साल या छियासठ साल जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आता है पैंसठ साल इसका आंसर आता है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर स्कर्वी स्कर्वी है क्या है स्कर्वी जल्दी बताइए कि ये स्कर्वी है क्या जल्दी बताइए कि ये स्कर्वी है क्या देखो इसका आंसर क्या आता है वाइटामिन डी को वाइटामिन डी को कहते हैं चलिए विच ब्रिगेडियर वॉज एसोसिएटेड विद जलिया वाला बाग ट्रेजिडी जो जलिया वाला बाग की तराशती हुई थी किस ब्रिगेडियर का उससे संबंध है किस ब्रिगेडियर का उससे संबंध है जनरल हैरिस जनरल डायर ज, कोलोनल वेलेसली या आर्थर वेलेसली जल्दी बताओ ज़रा चलो hmm. इसका क्या आंसर होता है जनरल डायर नो डाउट सबको पता है बाद में उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर इसको मारा भी था चलिए आरबो आरबोरी कल्चर इज द स्टडी ऑफ आरबोरी कल्चर किसका अध्ययन है आरबोरी कल्चर किसका अध्ययन है जल्दी बताओ जरा चलो आरबोरी कल्चर किसका अध्ययन है देखो इसका आंसर क्या आता है कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड वेजिटेबल्स कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड वेजिटेबल्स अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्केल्टल मसल्स कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या है सात सौ चलो अगला प्रश्न क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास राष्ट्रकुटा एक साम्राज्य आया था जल्दी बताओ इसके बारे में चलिए राष्ट्रकूटास ये कुछ इस प्रकार से मतलब इतना बड़ा एरिया इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर कंट्रोल किया हुआ था तो राष्ट्रकुटा मतलब भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में आए थे ठीक है ये सातवीं सदी में आए थे जल्दी बताइए राष्ट्रकुटास की राजधानी क्या थी शुरुआत में बिल्कुल सही एलोरा थी ठीक है बाद में इसका आंसर क्या मतलब बाद में की राजधानी क्या बनी ठीक है क्या बनी मान्या खेता इसकी बाद में इसकी राजधानी बनी ठीक है मान्या खेता हिंदू जैन बौद्ध इन तीन धर्मों को मानते थे 735 में मतलब सदी 735 थी जब इसका गठन हुआ था सदी 735 में इसका गठन हुआ था और नौ सौ में यह साम्राज्य खत्म हो गया था 735 में इसका गठन दंती दुर्ग ने किया था किसने किया था दंती दुर्ग लेकिन इंद्र चतुर्थ मतलब चौथा इंद्र देव था मतलब इनका राजा था जिसके समय काल में इसकी मतलब ये राज्य ही खत्म हो गया चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने के लिए रिकॉल प्रावधान को क्रियान्वित किया गया था मध्य प्रदेश केरला हरियाणा या बिहार किसके द्वारा जल्दी बताओ जरा चलो ललित मिश्रा डोंट वरी मैंने देख लिया थैंक यू वेरी मच जल्दी बताइए चलिए इसका आंसर क्या बनता है मध्य प्रदेश इसका आंसर बनता है चलिए वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डार्क फर्मेंटेशन जल्दी बताओ डार्क फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हैं डार्क फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हैं इसका आंसर क्या आता है ये एक प्रोड्यूस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना मतलब हाइड्रोजन का उत्पादन करना एक ईंधन के तौर पर कहाँ से जो वेस्ट वाटर होता है जो गंदा वाटर होता है उससे ठीक है गंदे पानी से हाइड्रोजन का उत्सर्जन करना ठीक है विच स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट लाइन इन इंडिया भारत में किस राज्य की तट रेखा लंबी है भारत में किस राज्य की तटीय रेखा लंबी है जल्दी बताओ देखो गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी तटीय रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है अगला प्रश्न क्या है विच ऑफ द कुषाण रूलर पैटर्नाइज बुद्धिज़्म कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया कौन सा कुशान कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए देखो कुषाण कुशान साम्राज्य बहुत बड़ा था भाई साहब बांग्लादेश तक था बहुत सेंट्रल एशिया से आता था इसका कनिष्क सबसे ज़्यादा मजबूत मतलब इसका सम्राट रहा ठीक है इसी ने महायाना बुद्धिज़्म महायाना बौद्ध धर्म का ये क्या था अनुयायी था महायाना बौद्ध धर्म का क्या था ये अनुयायी था इसने चौथी बुद्ध काउंसिल भी जम्मू कश्मीर में कराई थी इसके अलावा इसने साका कैलेंडर भी शुरू किया था चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू नीली क्रांति किससे जुड़ी है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू नीली क्रांति किससे जुड़ी है ब्लू रेवल्यूशन <laughs> देखो देखो ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है मत्स्य पालन से और मछली पकड़न, ये सब चीजें ठीक है, है? ब्लू रेवोल्यूशन का जो प्लान था जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी 1985 से नब्बे के दौर में ठीक है उन्नीस से नब्बे के दौर में ये बात आप लोग याद रखिएगा ब्लू रेवोल्यूशन ठीक है इसे नीली क्रांति भी कहा गया सेवन फाइव ईयर प्लान के चलते ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब हमारा जो फिशिंग सेक्टर आज भी इतना मजबूत नहीं है उसको बनाने चलिए प्लानी मीटर इज़ यूज़ टू मेजर जल्दी बताओ प्लानी मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है क्षेत्र सड़क दूरी दिशा या एक क्षेत्र की ऊंचाई जल्दी बताओ प्लानीमीटर का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है प्लानीमीटर अरे मेरे भाई तुम्हें हरे रंग का बोर्ड दे दिया व्हाइट उस पर सिग्नल है अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पूरा बोर्ड ओपन चलो तो मैं फिर भी थोड़ी ब्राइटनेस ऊपर नीचे करवा रहा हूं ताकि तुम और तुमको दिक्कत ना हो जल्दी बताओ जरा चलो देखो इसका आंसर क्या आता है क्षेत्र मापने के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी टू डायमेंशनल मतलब अगर समझ लो कि ये क्या है एक प्रकार की ये एक प्रकार की क्या है शेप सी तैयार कर दी ठीक है अब इसका क्षेत्रफल मापना है तो इस क्षेत्रफल को मापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का प्लानीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ये दो डायमेंशन में शेप को मापता है क्षेत्र को मापता है ना कि थ्री डायमेंशन में चलिए अरुंधति रॉय इज द ऑथर ऑफ द बुक अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका हैं जल्दी बताओ अरुंधति रॉय ने कौन सी पुस्तक लिखी है अरुंधति रॉय ने कौन सी पुस्तक लिखी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसका आंसर क्या आता है द अलजैब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस द अल्जैब्रा ऑफ इन फाइनाइट जस्टिस हु बिल्ट अदाई ढाई दिन का झोपरा और हर्ट ऑफ टू एंड हाफ डेज ऑफ अजमेर जल्दी बताओ अजमेर में ढाई दिन की झोपड़ी या झोपड़ी किसने बनवाई कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक अलाउद्दीन खिलजी बलबन या मोहम्मद बिन तुबलक बड़े पंगे लिए इन लोगों ने यहां पे आ जल्दी बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक क्या नाम था उस मुर्गे का कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है ये क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब मोहम्मद गोरी का क्या था जनरल था क्या था मोहम्मद गोरी का जनरल था और गुलाम वंश का ये क्या था संस्थापक था चलिए हाउ मैनी लैंग्वेजेज आर देयर इन दर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में किस कितनी भाषाएँ हैं भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं उन्नीस बाईस अठारह या सोलह जल्दी बताओ लैंग्वेजिज इन द एर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो आज के समय में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं हमारी आठवीं अनुसूची में आज के समय में हमारी मतलब संविधान के मतलब जो ये सिस्टम है उसके अंदर कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं कई सारे संवैधानिक संशोधन पास करके कई भाषाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है ठीक है ये आर्टिकल नंबर तीन से लेकर तीन तक कवर करती है ठीक है ू वॉज द फस्ट स्पीकर ऑफ फ्री इंडिया हू वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फ्री इंडिया श्रीमती सरोजिनी नायडू फ्रेंक एंथनी के एम मुंशी या जीवी मावलांकर हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फ्री इंडिया मतलब संसद का पहला अध्यक्ष कौन था आजाद भारत में देखो सबसे पहले मावलांकर थे जीवी मावलांकर जी गणेश वासुदेव, ठीक है किसी भी देश के जो विधानसभा का मतलब संसद का अध्यक्ष चुना जाता है वो उसी के अंदर से एक चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है ठीक है आज में हमारी जो सत्तरवीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है ओम बिरला हैं ठीक है कौन है ओम बिरला अगला प्रश्न क्या है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा जल्दी बताओ चलो बेकिंग सोडा जल्दी जल्दी बताओ जरा चलो देखो इसका आंसर बिल्कुल सही है सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है सोडियम बाई कार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहा जाता है इसे ठीक है इसे इसका फॉर्मूला एन ए एच सी ओ थ्री बनता है चलिए निम्नलिखित में से किस गैस का रंग होता है निम्नलिखित में से किस गैस का रंग होता है ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का क्लोरीन का या हाइड्रोजन का देखो ऑक्सीजन का तो नहीं होता ऑक्सीजन का रंग कहाँ होता है यार बताओ ज़रा इस रंग हो नाइट्रोजन भी वायुमंडल में होती है उसका भी नहीं होता हाइड्रोजन भी वायुमंडल में होती है नहीं होता क्लोरीन, क्लोरीन का रंग होता है ठीक है क्लोरीन का रंग होता है कलर ऑफ क्लोरीन क्लोरीन एक ऐसी गैस है ठीक है इसका ग्रीन येलोइश होता है ठीक है येलोइश ग्रीन भी कह सकते हैं आप चलिए अगला प्रश्न क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है जल्दी बताओ ज़रा चलो इसका आंसर क्या आता है सेलुलोस ठीक है क्या इसका आंसर आता है सेलुलोस इसका आंसर आता है द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अब दरिजन ऑफ द ओरिजन ऑफ एन अर्थ को एक इज नोन है बताओ मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो कि यह धरती है धरती के इस पॉइंट पर भूकंप आया है इसके ठीक ऊपर धरती के ऊपर ये वाला जो पॉइंट बनेगा ना इस पॉइंट को क्या कहेंगे मेडी सेंटर प्राइम सेंटर एपिक सेंटर या हाइपो सेंटर देखो इसे क्या कहा जाता है जहाँ से भूकंप का उदय होता है उसे फोकस कहा जाता है तो जहाँ पर ये बनता है वहां उसे एपिक कहा जाता है क्या कहा जाता है एपिक सेंटर कहा जाता है ठीक है चलिए साथियों आप सबको एक बात बता दूं थोड़े डिटेल में देखिए अभ्यास बैच शुरू किया गया है आपका क्या किया गया है अभ्यास बैच आपका शुरू किया गया है मात्र तीन सौ निन्यानवे रुपये में असल में ये है चार सौ निन्यानवे रुपये का लेकिन राखी आई है तो इस चक्कर में राखी ट्वेंटी के वजह से आपको बीस परसेंट का लेस मिलकर ये कितने का मिल रहा है तीन सौ निन्यानवे रुपए का मिल रहा है ये खास तौर पर आपको एम जैसे बेहतरीन एग्जाम में जहां दस हजार के ऊपर नौकरियां हैं वहां पर आपको तैयार करेगा और आपको एक सबसे बड़ी बात तो ये बनती है तो अब इसमें सिस्टम ये है कि आपको दस हज़ार नौकरी है और आखिरी समय है तैयारी करने का तो आप लोग तैयारी कर लो ठीक है आखिरी समय है तैयारी करने का तो तैयारी कर लो अभ्यास बैच की ठीक है और इसमें आपको हम लाइव मतलब आपको पीडीएफ वगैरह भी देंगे क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं तो आप लोग ज्वाइन करिए मैं तो यही कहूंगा कि टाइम वेस्ट मत करिए ये एम के एग्जाम में नौकरी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम सस्ता आता है लेकिन लोग इतने ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि कट ऑफ भी बहुत पावरफुल जाती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा ठीक है तो चलिए साथियों अंत करते हैं फिर आपके आज के सेशन का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दबाइएगा और अभ्यास बैच जो एमटीएस और वीओडी के लिए है मात्र तीन सौ निन्यानवे रुपये में राखी ट्वेंटी लिखने पर आपको बीस परसेंट का लेस मिलकर ठीक है चलिए तो ओके फ्रेंड्स बाय बाय